सर गेट की प्रिपरेशन हर एक स्टूडेंट की करनी चाहिए, ये ना सोचे कि वैकेंसी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, लेकिन एक अच्छी जो नॉलेज है वो इंजीनियरिंग की, वो आपको गेट की प्रिपरेशन के साथ ही मिल पाएगी। ये मैं हमेशा कहता हूँ सर, एटलीस्ट गेट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए जो बच्चा चाहता है कि इंजीनियरिंग में और अच्छा स्कोप या फिर और अच्छी नॉलेज गेन कर सकता फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक, है। इतनी थैंक अच्छी यू। रैंक के लिए गेट 2022 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये एक बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है सारे एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें अभिषेक से हैं उनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक बताओ क्या चल रहा है लाइफ में अभी। सर अभी तो मतलब मैंने अपना जो है बीटेक कंप्लीट किया था 2020 में, सर उसके बाद से मैंने अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और 21 में भी मैंने गेट दिया था सर, और सर उसमें मतलब ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था, मेरा 1700 रैंक थी मेरी। देन ओ आई डिसाइडेड कि सर कि मैं जो है आई टी बी एच यू में एडमिशन ले लूँ, बिकॉज टू टू ईयर ड्रॉप सर मुझे ज़्यादा लग रहा था, और साथ साथ में एक्चुअली ऑनलाइन था तो सर मुझे इजी लग रहा था कि एमटेक के साथ मैं कैरी कर सकता हूँ अपनी जो है प्रिपरेशन को। तो साथ साथ में आई टी बी एच यू मैंने डिज़ाइन लिया, उसके बेसिस पे मतलब फिर मैं साथ में प्रिपरेशन भी करता चला गया, और फिर 2022 में मेरी 101 रैंक आई, और सर उसके बाद सर मैंने बहुत सारे पी एस सी इंटरव्यू दिए हैं, आई जी सी आर, बी आर सी एंड एन पी सी आर का भी देकर आया है, तो सर ये चल रहा है सर इस समय। और अभी क्या क्या आगे इंटरव्यूज प्लान हैं, क्या क्या शेड्यूल्ड हैं? सर अभी सर IOCL का मैंने फॉर्म फिल कर दिया सर, उसमें तो मतलब इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगा, और फिर सर IOCL के बाद अभी NP उसका नॉलको का भी सर आने वाला है, और भी सर कुछ PSUs के फॉर्म भर रहे हैं, जैसे सर DVC का मैंने भरा है, और सर ECIL का भरा, लेकिन इसमें वैकेंसी कम है, तो सर मेन फोकस इस समय IOCL के इंटरव्यू पर रहेगा, तो हाँ सर मास कंप्यूटर है सर एक तरह से ये, और सर NTPC का भी इस बार रिक्रूटमेंट होगा। सर मेरा इनिशियली मतलब शुरुआत से मेरा मोटिव ये था कि मुझे जॉब लेनी है, एक मतलब PSUs में जॉब लेनी है, उसके बाद कुछ करना है अच्छे से, तो सर लेकिन बस मैंने एक साल ड्रॉप कर लिया था, तो मैं क्योंकि सर इनिशियली सर जॉब का सीनेरियो 2020 में काफ़ी ख़राब हो गया था कोविड की वजह से, तो सर उस वजह से सर कुछ श्योर नहीं था मैं। 2021 में सर IOCL की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई, तो उसके बेसिस पे मुझे लगने लगा कि एक बार एमटेक के साथ साथ करते हैं, और ऑनलाइन में एमटेक में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, लेकिन सर मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऑफलाइन अगर एमटेक होता तो शायद मेरी गेट में रैंक इतनी अच्छी ना आती, क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी IITs में प्रेशर होता है और काफ़ी वर्क होता है। इवन सर मेरा 13 को एग्ज़ाम था, 13 2022 में इसमें, और मैंने अपना सेमेस्टर ख़त्म किया था 28 को, 28 फरवरी को, तो सर मतलब थोड़ा सा वहाँ पर प्रेशर रहता है। और सर मतलब एक चीज़ मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि 2021 में मैंने थोड़ा सा काफ़ी मेहनत की थी मैं 2021 के लिए, तो उस समय गेट थोड़ा सा गेट एक्चुअली सर उस दिन क्या होता है, आप उस दिन किस मूड से आते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जबकि इवन टेस्ट सीरीज में भी सर स्कोर अच्छा हो रहा था मेरा, तो 21 में थोड़ा सा गेट मेरा बिगड़ गया, तो उस बेसिस पे सर फिर मैंने अदर PSUs के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, इवन मैंने SSC JEE भी दिया, SSC JEE का प्री निकाला, मेंस भी दिया, अच्छा, ये सर। अगर मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो उसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट तुमको सबसे टफ या सबसे डिफिकल्ट फील होता था? सर सबसे टफ डिफिकल्ट, सर डिफिकल्ट इन द सेंस सर वो होता है जो आपने छुआ ना हो या पढ़ाना हो, जो आपने पढ़ लिया सबको इजी हो जाता है, तो मेरा सर शुरुआत से कुछ टॉपिक्स थोड़े से वीक रहे हैं, जैसे कि मतलब पावर प्लांट में सर वहाँ पे एक्सियल टरबाइन वहाँ पे उस तरह के सर थोड़ा सा वीक रहा मेरा, तो मैं उसको थोड़ा सा लेफ्ट करके चलता था, क्योंकि गेट में सर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता वो स्टीम टरबाइन वगैरह सर वहाँ पर, और बाकी बाकी सर तो मैं डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा था मेरा, सॉम तो सर बहुत अच्छा था, और फ्लूड वगैरह सर ये सब काफ़ी अच्छे थे। मैं एक काम करता था सर, टॉपिक मैं नोट कर लेता था, जो मेरे वीक टॉपिक थे उनको मैं नोट करके उनके स्पेशल नोट्स बनाता था, जैसे सर वेलोसिटी एनालिसिस सर बहुत लोगों का वीक होता है, और सही सर बात है, मतलब वेलोसिटी हाँ एंड जी एक्सेलरेशन एनालिसिस सर, दोनों। ये मतलब इसके क्वेश्चन सर इजीली नहीं लगते, गेट में आता है तो बच्चा पहले थोड़ा सा चकरा जाता है मतलब, तो सर इसके लिए मैंने कम से कम 7-8 मेथड अपने नोट्स बनाए थे प्रॉपर वेलोसिटी एनालिसिस की, मतलब इसको कैसे भी सर इसको नेल करना है और एक्सिलरेशन से रिलेटेड सर क्वेश्चन आते नहीं गेट में, ये ज्यादा मैंने नहीं देखा, आते। हाँ 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 बहुत कम आते सर, एक्सिलरेशन डायग्राम आपको नहीं बनाना पड़ेगा,
और रिलेटिव वेलोसिटी में तो नहीं आना पड़ेगा, तो आप कितना स्पेसिफिक रहते हो ये सब बहुत डिपेंड करता है। हाँ मतलब एक्सेलरेशन एनालिसिस के आई थिंक हार्डली एक या दो क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से भी मैं बोलूंगा एक तो बहुत ही इजी था, वो तो किसी भी मेथड से सॉल्व हो सकता था, एक ही ठीक क्वेश्चन आया है गेट में अब तक एक्सेलरेशन एनालिसिस का। बट वही रहता है, जो चीज आती नहीं है उसका डर कॉन्स्टेंटली माइंड में बना रहता है, ये ना आ जाए ये ना आ जाए, तो ओवरऑल उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा अफेक्ट होता है कभी कभी। अच्छा तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें जो मिस्टेक्स होती थी वो कैसे एनालिसिस करते थे, किस टाइप की मिस्टेक ज्यादा करते थे, कैलकुलेशन मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, सिली मिस्टेक, कैसे टैकल करते थे उसको? सर सबसे पहले मतलब कि मैंने अपना 2020 में जो मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें मैंने आपको बता दूं कैसे कैसे मिस्टेक की मैंने, कैलकुलेटर मैंने जो है 0.05 आंसर था, मैंने 0.005 टाइप कर दिया वहाँ पे गेट में सर, इस तरह की मैंने मिस्टेक की। और सर कैलकुलेशन में क्या करता था कि माउस से दो बार क्लिक कर जाए ऐसा होता था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट में क्वेश्चन के क्या पूछ रहा है एनएटी टाइप क्वेश्चंस में कि लास्ट में क्या पूछ रहा है यूनिट्स का, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता था वहाँ पे सर, ये बहुत मिस्टेक करता था मैं। और प्लस माइनस साइन में सर काफी ज्यादा चेंज पूछ लेता है या फिर कुछ कहीं पर प्लस माइनस लगता था सर, वहाँ पे भी काफी दिक्कत होती थी। तो इनको मैं टेस्ट सीरीज की जब एनालिसिस करता था तो वहाँ पे सर मैं चार पार्टों में एनालिसिस करता था, पहला टॉपिक वीक टॉपिक्स को नोट करता था, दूसरा सर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को नोट करता था मैं, और प्लस मैं ब्लंडर्स ब्लंडर्स में मैं इन सबको शामिल कर लेता था, और सर कोशिश करता था कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में ऐसा ना हो तो सर वो गलतियाँ दोबारा नहीं कर रहा था। और सर एक और बात है मतलब एप्टीट्यूड और इंग्लिश, मैं इंग्लिश भी कहूँगा सर क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी तो मैंने सर उसको काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस किया, तो मेरे इस बार एप्टीट्यूड और इंग्लिश आउट ऑफ सर 15 में 15 नंबर मेरे टोटल सर, ये सर काफी ज्यादा स्कोरिंग रहता है। सही बात है, वो एक ऐसा सेक्शन है जिसको एंटायरली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं या फिर इग्नोर मन में सोचते हैं करना है करना है बट एक्चुअली कुछ करते नहीं है उस डायरेक्शन में। ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से अगर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट क्रैक करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसे कितने मंथ्स पहले तक गेट का सिलेबस कवर करने का टारगेट करना चाहिए? सर अक्टूबर तक सर खत्म कर देना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से अक्टूबर एंड तक उसका पूरा खत्म होना चाहिए, जल्दी खत्म करोगे सर फिर वो इफिशियंटली खत्म भी नहीं होगा, टाइम सर गेट का सिलेबस काफी वास्ट है तो सर उसमें अक्टूबर एंड तक वो इजिली खत्म कर ले, और अक्टूबर एंड से पहले सर वो टेस्ट सीरीज के जो पार्ट टेस्ट होते हैं ना सर वो स्टार्ट कर दे। बच्चे क्या करते हैं कि इवन मैंने भी यही किया था सर कि पूरा कंप्लीट कर लूँ तो इसका पार्ट टेस्ट देता हूँ, और दूसरी बात है टेस्ट सीरीज कभी दिल पे ना ले, दिल पे मत लें, मतलब जो है नंबर नहीं आ रहे हैं इनिशियली सर बहुत बच्चे दिल पर ले लेते हैं इसको, तो टेस्ट सीरीज हमेशा सीखने के लिए होती है, अगर नंबर कम आ रहे तो समझो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है ज्यादा सीखने की। बिल्कुल सही बात है, इसको सर मैं ऐसे लेकर चलता था क्योंकि अभी देखा जाए अगर तो जुलाई का मंथ है, शुरू ही हो चुका है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट 4 महीने कह सकते हैं बचे हैं स्टूडेंट्स के पास जिन्हें सिलेबस अपना खत्म करना है, जिनका पेंडिंग है नेक्स्ट 4 मंथ्स, 3.5 to 4 मंथ्स के अंदर उन्हें एनी हाउ सिलेबस खत्म करना होगा, तब जाके फिर वो फ्री माइंड से टेस्ट सीरीज उसका एनालिसिस उसमें लग पाएंगे और फिर एक्चुअली देख पाएंगे कि मैं कहाँ इम्प्रूव करूं, वरना आधा दिमाग सिलेबस खत्म करने में होगा, आधा दिमाग टेस्ट में होगा और कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। और सर, वो बात भी तुमने सही कही कि जो मार्क्स हैं अब तुम्हारे ही देखो, 60s से तुमने स्टार्ट किया और अभी ऑल इंडिया रैंक 101 हो तुम, तो ऑब्वियसली ये क्लियरली दिखाता है जो तुम बोल रहे हो उसको। तो बड़े अच्छा लगा अभिषेक तुम्हारी ओवरऑल प्रिपरेशन जर्नी को समझ के और जो तुमने गाइडेंस दी स्टूडेंट्स को, वो मैं श्योर हूँ कि अगर वो सही से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट होता है, सुनने के लिए तो बहुत सी बातें हर जगह से सुनने में आती हैं बट उसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं श्योर हूँ कि हाँ बोलो बोलो सर। गेट की प्रिपरेशन हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, ये ना सोचे कि वैकेंसी नहीं आ रही ये नहीं आ रही, लेकिन एक अच्छी जो नॉलेज है वो इंजीनियरिंग की वो आपको गेट की प्रिपरेशन के साथ ही मिल पाएगी, ये मैं हमेशा कहता हूँ सर, एटलीस्ट गेट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए जो बच्चा चाहता है कि इंजीनियरिंग में और अच्छा स्कोप या फिर और अच्छी नॉलेज गेन कर सके। बिल्कुल, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर गेट में चली हो सकता है उस दिन आपने कुछ ब्लंडर्स किए, एरर्स किए, नहीं आ पाए मार्क्स, बट थ्रू आउट द ईयर ऐसे और दूसरे एग्जाम वगैरह चलते रहेंगे, जैसे अभी HPCL का एग्जाम आने वाला है, DRDO में वैकेंसीज आई हैं, तो थ्रू आउट द ईयर अगर आपको नॉलेज है तो आपको मौके बहुत मिलेंगे,
अपने नॉलेज को कन्वर्ट करने के एक फर्दर अपॉर्चुनिटी में. तो प्रिपरेशन गेट के करने से एक वो ओवरऑल जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल आइडिया है कॉन्सेप्ट्स का वो बहुत अच्छे से लगता है. यस सर, तो बहुत अच्छा लगा अभिषेक. ऑल द बेस्ट आगे के तुम्हारे जो फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स है उनके लिए. जो भी अपडेट हो बताना मुझे, जब इंटरव्यू वगैरह हो कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस शेयर करना, तो फिर हम स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे. ऑल द बेस्ट अभिषेक, टच में रहते हैं. थैंक यू सर. ओके ओके, बाय बाय.